हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज तारीख है 9 सितंबर और दिन है बृहस्पतिवार और सुबह का टाइम है। योगी हेमू दोनों उठ चुके हैं, 5:45 का टाइम है और दूध बिल चुका है। तो मैं निकाल रही हूँ घी और दूध। मैंने भैंस का निकाल लिया, बाल्टी में रखा है। इन दोनों का गर्म भी कर दिया है। इस फ्राई पैन में मैंने लिया गरम पानी। गरम पानी में हाथ डबो के और फिर घी निकाले तो बिल्कुल भी हाथों को नहीं लगता है। ये ट्रिक अपना के देखें। इनके चटकने के बाद डालेंगे प्याज और लहसुन। ये देखिए, अब इसमें डाल देते हैं प्याज और लहसुन। एक प्याज है मीडियम साइज की और 8 चम्मच लहसुन। ये देखिए प्याज, टमाटर है। इसमें डालेंगे देखिए, अभी इसमें सारे सूखे मसाले लाल मिर्च धनिया पाउडर मसाले देखिए मिला दिया है। अभी इसको देते हैं और इधर मैंने आटा छान लिया। अभी आटा लगाऊंगी। ये देखिए लास्ट में कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला मिला देंगे। बैठी होगी।
ठीक है। ये देखिए बेडशीट मैंने बदल दी है और अलमारी सब को अच्छे से झाड़ पोंछ दिया आज, और इस दीवार पर भी झाड़ू मार दिए जो एक्स्ट्रा पपड़ी बन रही थी, चूना उतर रहा था, और ये स्टूल बाहर निकाल दिए क्योंकि छोटी छोटी जो मूसी है चूहियाँ हैं वो इनके नीचे आ जाती है, और कल तो एसी के अंदर भी घुस गई एक मूसी। और ये देखिए कितना सारा निकाल दिया ये बाहर, एक रूम की झाड़ू हुई है अभी, बाकी सारा काम पड़ा हुआ है। और टाइम दिखा देती हूँ, 11:30 बज गए हैं। ये देखिए तो एक रूम हो गया है, अब चलते हैं स्टोर रूम में। ये देखिए लाइट जला देती हूँ, पहले तो कपड़े हैं इनको सबको तय लगाऊंगी, और ज़्यादा तो इसमें कुछ सामान बिखरा नहीं पड़ा है, एक ही कलर का डब्बा है बस, और तो ये लगभग सेट है, एक ही कढ़ाई रखनी है, तो इसकी झाड़ू हम लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये देखिए झाड़ू करने के लिए अंदर गई इतनी देर में, तो देखिए झाड़ू पूरे घर में लग चुकी है, कपड़े यहाँ रख लिए बाहर घाट पे, और अभी इस नाली में से झाड़ू लगाने हैं बार बार के, ये पूरा आप देख सकते हैं पूरी झाड़ू ये टीम की है, बाहर में अंदर वाली झाड़ू यूज नहीं करती हूँ, तो अभी लगाते हैं चप्पल खड़ी कर देते हैं हेमू की, और एक जोड़ी ये है इनको भी यहीं खड़ी कर देते हैं ऐसे। यहाँ खड़ी कर दिए और पायदान यहाँ रख लिए हैं क्योंकि बूंद आ गई थी, यहाँ रख दिए हैं, अभी लगाऊंगी पोछा, और बाहर का सारा निपट चुका है, दूर ढक दिया है। ये देखिए स्कूल से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, अभी ये चारपाई स्टैंड सब बाहर निकालूंगी, जल्दी जल्दी ऐसे अंदर सब रख दिया है। और यहाँ मेरी प्लेट लग चुकी है आलू गोभी की सब्ज़ी, मिर्च छुकी हुई, छाय और रोटी गर्मा गर्म, और ये कपड़े अंदर से बाहर रख दिए थे, और माँ जी बाबा सो रहे हैं दोनों, ये देखिए, और ये खा रहे हैं रोटी, पीछे की ज्वार सारी कट चुकी है, एक दो दिन में बवा देंगे, टाइम 2 बजने वाले हैं, योगी हेमू की रोटी भी अभी बना दी है क्योंकि 2:30 बजे वो आ जाएंगे। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ टाइम, ये देखिए 8:15 हो चुके हैं, अभी चलते हैं रसोई में, और ये हेमू को देखिए, हेमू कचबन पानी ने चल ली, ना तो अभी दूध गर्म हो चुका है, देखिए, और इधर बनेंगे 2 सैंडविच, सुबह की सब्जी बची हुई थी वो लगा कर मैंने रख दिया है, और मैं लग गई थी अभी कपड़े धोने क्योंकि आज पानी नहीं आया था सुबह से, तो अभी शाम के टाइम आया है तो लेट हो गया। देखिए सबसे पहले लगा देती हूँ घी,
ये देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और मैं बनाऊंगी आज मैक्रोनी। सबसे पहले डालते हैं हींग, उसके बाद डालते हैं इसमें थोड़ी सी राई। राई के चटकने के बाद माटी भाई, और अब इसमें डाल लेंगे जीरा। इधर हमारी सैंडविच भी साथ के साथ हो रही है तैयार, तो इनको भी पलट देती हूँ। तो ये देखिए सैंडविच हमारी बनकर हो गई है तैयार, और रेमो भी यहीं खड़ा नाच रहा है, ये देखिए इंतजार में है। और योगी गई है अभी नहाने। अभी मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। ये देखिए मैंने मैक्रोनी को उबाल लिया है, नमक और तेल डाल के और इनका सारा पानी निकाल दिया है। अभी मैंने जीरा इसमें डाल दिया पहले, अभी मैं डाल लूँगी प्याज। गैस को कर देती हूँ तेज। ही देखिए लंबी लंबी प्याज काटी है, एक ही प्याज है। और इधर मैंने काट लिया है दो टमाटर छोटे से, और तीन हरे अच्छे से। यह ज़्यादा जैसे सब्जी का थोक तैयार होता है वैसे प्याज को नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट होने पर ही इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँ। ये देखिए अभी इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। अभी टमाटर डाल देंगे इसमें, अभी करेंगे सूखे मसाले ऐड। सूखे मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे नमक और इसकी लाल मिर्च और हल्दी अच्छे से मिलाएंगे। इसे गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे फ्लेम पर, और इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट अच्छे से। फिर हम क्या करेंगे मैरिनेट। देखिए मसाले सब अच्छे से पक चुके हैं, अभी इसमें 1 मिनट ऐड कर देंगे। वही मैक्रोनी सी पक गई आप इसमें, अभी कई देर से रखी हुई थी, वैसे ये चिपके ही नहीं, एक एक अलग हो जाएगी। देखिए हल्के हाथों से, क्योंकि मैंने इनको तेल डालकर उबाला है। देख रही मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है टमाटर प्याज में। अभी 2 से 3 मिनट में हमारी मैगी बन ये मैक्रोनी बनकर हो जाएगी तैयार। तब तक मैं दे देती हूँ बच्चों को सैंडविच। ये देखिए मैंने बीच में से कट कर दिए, आराम से खा लेंगे अभी से। और ये है दूध का देगचा, क्योंकि शाम के टाइम दूध निकाल के इसमें डाल देते हैं तो वो हो जाता है ठंडा, तो इसे थोड़ा गर्म करके इसमें जामुन दे देंगे। और इधर बन रही है रोटी और मैक्रोनी बनकर हो गई तैयार, और इस देगची में है दूध। हम योगी खा रहे हैं बाहर सैंडविच। 1 मिनट दिखा देती हूँ, योगी ने अपने बिस्तर लगा लिए है वो, तो देखिए दोनों। और इस तसले में पानी डाल के इनका रख दिया दूध ठंडा होने के लिए, क्योंकि फिर इनको आ जाएगी नींद जल्दी। तो अभी खाते ही दूध पी लेंगे, अभी कर लेते हैं और काम। ये हेमा योगी की मैंने डाल दिए प्लेट में, उनको दे देते हैं, अभी साथ के साथ खा लेंगे अभी। और गर्मा गर्म खाने में मज़ा भी आता है। ये देखिए लो भाई पकड़ो, हेमू सही से बैठ भाई, गरम है। योगी आराम से
थाली में रख लो प्लेट में, बस थाली में रख के खा लो। ताई दूध भी ले लियो, दूध बाहर ही रखियो ठंडो। और ये देखिए, ये भी आए हैं।